हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, रद्द नहीं की जा सकती अंतिम वर्ष की परीक्षा UGC, यानी UGC की नई गाइडलाइन आ गई है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार रहे, क्योंकि किसी भी अगर टाइम उनका एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है तो उनको एग्ज़ाम है वो फाइनल ईयर के उनको देने पड़ेंगे। UGC का कहना है कि अगर क्या कि आप फाइनल ईयर में हैं तो कोई भी सरकार है उनको फाइनल ईयर की डिग्री प्रदान नहीं कर सकती बिना पेपर के। तो अगर आप पूरी डिटेल से इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या रद्द नहीं की जा सकती रद्द नहीं की जा सकती अंतिम वर्ष की परीक्षा UGC। तो यानी 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। यानी आपकी जो अगस्त है चल रहा है, अभी अगस्त के बाद में सितंबर आएगा, तो सितंबर 30 सितंबर तक क्या है परीक्षा कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सुरक्षित है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से पूरी खबर पढ़ के बता देता हूँ कि क्या कहना है UGC का। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 6 जुलाई के लिए निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन राज्य बिना परीक्षा कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते। UGC की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस RS रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ को बताया कि आयोग के निर्देश छात्रों के फायदे के लिए है, क्योंकि विश्वविद्यालय को प्रास्थानिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करने हैं और राज्य सरकार UGC के दिशा निर्देश निष्प्रभावी नहीं कर सकती। तो UGC के 6 जुलाई के निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा, मसला यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि हालात परीक्षा कराने के अनुकूल नहीं हैं, तो क्या वे UGC के निर्देशों को अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरा मुद्दे यह भी है कि UGC राज्य सरकार को निष्पक्ष प्रभाव कर सकता है और विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि पर परीक्षा कराने के लिए कह सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट आप के जो भाई और बहन जो आपके अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो उनकी क्या है परीक्षा 100% उनकी परीक्षा होगी 30 सितंबर से पहले उनकी परीक्षा कराई जाएगी। ये UGC की नई गाइडलाइन है, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी खबर में बता दिया कि UGC चाहती है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट को डिग्री वितरण है जो सरकार है, बिना फाइनल ईयर की परीक्षा के डिग्री वितरण नहीं कर सकता। तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।